नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की सारी मार्केट की हाइलाइट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। मैं ही बात करूं निफ्टी 50 की भी, तो निफ्टी 50 ने भी आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई भी बनाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सेंसेक्स यहाँ पे 47,026 का हाई बनाया। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी और एंड में भी 4 और 6 लग रहे हैं सेंसेक्स में। वहीं बात करूँ निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं 13,772 के आसपास लाइफ टाइम हाई बना चुका है। दोस्तों, सुबह सुबह आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो मार्केट पहले बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम फ्लैट रहा, उसके बाद डाउन आया, फिर से मार्केट में रिकवरी हुई। तो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा मार्केट मुझे ऐसा लगता है भाग चुका है। थोड़ा सा आपको मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए। मैं बार बार वीडियो बना के आपको ये चीज़ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दोस्तों मार्केट तब तक मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं गिर सकेगा जब तक FIIs और FPIs का डेटा हमें नेगेटिव में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आज भी FIIs और FPIs की बात करूं तो इन्होंने भी जमकर बाइंग की। आप देख सकते हैं 2,720 करोड़ का इन्होंने नेट बाइंग किया, पॉजिटिव कह सकता हूं इसको मैं, अच्छा माल इन्होंने उठाया। वहीं बात करूं DIIs, तो DIIs ने फिर से आज जमकर सेलिंग की है। बात करें इनकी सेलिंग की तो सेलिंग देख सकते हैं -2424, यानी कि 2,424 करोड़ यहाँ पे नेगेटिव में बात करूं तो इनकी सेलिंग है। बट यहाँ पे जब तक FIIs और FPIs बाइंग करते रहेंगे, जो ये नेट डेटा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, तो सेंटीमेंट्स भी मार्केट के हमें पॉजिटिव ही बनते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ी, तो राकेश झुनझुनवाला से रिलेटेड। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला फेवरेट स्टॉक इज अप 90% फ्रॉम मार्च लो। तो आप देख सकते हैं ये बात हो रही है टाइटन की। तो आपको पता होगा टाइटन में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जब ये स्टॉक 3 रुपये के आसपास था। इसके बाद जब 2008 में मार्केट गिरी तब ये स्टॉक 38-40 रुपीज़ के आसपास आया था, तब भी इन्होंने जमकर उसमें बाइंग की थी। तो यही कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, बट अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाएंगे तो हो सकता है आप हाई लेवल पर फंस भी सकते हो, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं RBI की तरफ से न्यूज़ है। तो MPC मिनट, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें इन्होंने जो गवर्नर है RBI के शक्तिकांता दास, उन्होंने क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड इन इकोनॉमी इज येट टू गेट ट्रैक्शन से शक्तिकांता दास। तो उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है जो इनकी मार्केट में, वो अभी भी आना बाकी है। आप देख सकते हैं एज पर माई असेसमेंट द रिकवरी इज मल्टी स्पीड एज मोर सेक्टर्स आर शोइंग एन अपटर्न दो द इम्प्रूवमेंट इज नॉट स्टेडी एंड कॉन्टिन्यूस जेट। तो इन्होंने बोला कि अभी भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। कुछ कुछ सेक्टर ही हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अपटर्न लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। इट विल टेक एटलीस्ट ईयर टू रीच द एंटायर पीक GDP लेवल एंड मोर टू रिकवर लॉस्ट ग्रोथ, सेस MPC मेंबर अशिमा गोयल। तो जो MPC के मेंबर है अशिमा गोयल, उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि अभी भी कम से कम 1 से 1.5 साल और लग सकता है मार्केट को अपना पीक पकड़ने में, या आप कह सकते हैं GDP को पहले जैसे लेवल को रीगेन करने के लिए। तो दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मीटिंग के बाद एक क्वेश्चन मार्क सा यही लगता है कि मार्केट अभी जो RBI के गवर्नर है या फिर कह सकते हैं MPC के मेंबर है, वो भी ये कह चुके हैं कि अभी उस हिसाब से मार्केट रिकवर नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था, बट हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस होकर चलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो दोस्तों शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स प्लेइंग विद फायर इन जंक स्टॉक DHFL। तो दोस्तों, आप अगर मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ DHFL को, अभी फिर से लिख के बोलना चाहता हूँ, आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत से बार यहाँ पे फ्रॉड्स की न्यूज़ भी आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं येस बैंक का स्टॉक 8 रुपये के आसपास गिरा था मार्च में, उसके बाद ये 40 रुपये के आसपास गया, फिर वहाँ पे लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हुए। तो स्टॉक प्रॉब्लमेटिक है, इसको आप जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए, नहीं तो आप अपना हाथ आग में बेफालतू में जला के बैठ जाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बर्गर किंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं बर्गर किंग इंडिया शेयर हिट्स 10% लोअर सर्किट फॉर सेकंड सेशन। तो आज फिर से बर्गर किंग में आज हम देख सकते हैं लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, बहुत ज़्यादा सेलर थे यहाँ पे। तो स्टॉक का अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 60 रुपये के आसपास थी, और वो स्टॉक कहाँ पे पहुँच गया था आपको भी पता है, 200 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। तो ऑब्वियसली चीज़ है वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें अभी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलनी ही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो मेसिस बेक्टर्स फूड्स ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल्स टू 67%। तो जो हालांकि स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कि इसका जो प्रीमियम वो 676 रुपीज़ के आसपास है, मतलब कि 220 रुपये के आसपास है, बट वहीं पर अभी स्टैंड हो रहा है 190-195 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ये वाला प्रीमियम भी गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर FIIs ने और FPIs ने बहुत ज़्यादा माल बेचा, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा लग भी रही है कि लास्ट जो मंथ का, मतलब कि जो ईयर का जो लास्ट मंथ होता है और उसका जो लास्ट वीक होता है, उस टाइम पे क्या होता है बेसिकली क्रिसमस और न्यू ईयर रहता है, तो उस टाइम पे FIIs और FPIs बहुत ज़्यादा माल बेचते भी हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कोशिश होके चलिए। और नेक्स्ट वीक में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक में आपको पता है एक तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है थर्सडे के दिन, तो प्लीज़ थोड़ा मार्केट हमें नेक्स्ट वीक में वोलेटाइल होता हुआ देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट न्यूज है येस बैंक से रिलेटेड। तो येस बैंक लेज आउट एम्बिशियस प्लान फॉर क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो यहाँ पे येस बैंक एम्बिशियस प्लान लेके आया अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेटेड। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज है, बट अभी भी येस बैंक से रिलेटेड यही कहना चाहता हूँ, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, या फिर आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको करना तो उतना ही पैसा लगाना ताकि कल को वो आपका बिल्कुल जीरो भी हो जाए तो आपको दुख ना हो, क्योंकि अभी आपको पता है येस बैंक का स्टॉक भी एक पेनी स्टॉक बन चुका है। तो दोस्तों आईटी शेयर्स आज देखा होगा आपने, इन्फोसिस और टीसीएस अपने 52 वीक हाई पे थे। तो इसका मेन रीजन ये था कि एसेंचर ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है। आपको पता है एसेंचर का स्टॉक भी यूएस मार्केट में लिस्टेड है, तो उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद इंडियन आईटी स्टॉक में भी आज हमें आग लगती हुई देखने को मिली है। दोनों कंपनियां शानदार है, अगर आपके पास अगर दोनों कंपनीज के स्टॉक है या एक कंपनी के स्टॉक है तो प्लीज़ इनको सेल करने मत जाना। नेक्स्ट न्यूज है स्टॉक रिकमेंडेशन से रिलेटेड। तो आनंद राठी की तरफ से आप देख सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने यहाँ पे न्यूज़ दी है। उन्होंने बेसिकली HDFC बैंक, ल्यूपिन और सोनाटा सॉफ्टवेयर को वाई रेटिंग दी है। बट मेरे हिसाब से आपको अगर दोनों में से तीनों में से कोई स्टॉक को फोकस करना चाहिए तो आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को आपको बाइंग या सेलिंग की राय नहीं देता हूं, जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं बस आपको यही बोलता हूं कि उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों L&T से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं L&T टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो L&T टेक्नोलॉजी का शेयर आज हमें ऑल टाइम पे जाता हुआ देखने को मिला। इवन हमने देखा सारे आईटी स्टॉक आज मैक्सिमम ऑल टाइम हाई पे थे। इसका रीजन ये था कि सलसा ने यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस टारगेट प्राइस, तो यहाँ पे इनकी बाय रेटिंग किसने दी है, मैंने नहीं दी है, सलसा ने दी है, और इवन इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों आप चाहें तो इस कंपनी के ऊपर भी नए रख सकते हैं, बट अगर इस कंपनी को फोकस में रखना तो आप सबसे पहले TCS को रखिए, फिर इन्फोसिस को, फिर आप चाहें HCL टेक्नोलॉजी को, फोर्थ नंबर पर आप L&T को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि KNR कंस्ट्रक्शन ने दो दिन पहले ही कहा था कि हो सकता है वो यहाँ पे जो बेसिकली बोनस शेयर की बात की थी उन्होंने कि बोनस शेयर लेके आए 1:1 में, तो फाइनली कंपनी ने आज बोनस शेयर का अप्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं बीच में स्टॉक काफ़ी हाई पे भी चला गया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे हमें ठीक ठाक मूव करता हुआ देखने को मिला। इवन आपको बोनस शेयर भी मिल जाएगा अगर आपके पास ये कंपनी का स्टॉक है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस भी आपको पता सेट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है, इतना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट न्यूज़ है एयरटेल जियो वोडाफोन हैव टू फोक आउट ₹44,000 करोड़ फॉर 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो 44,000 से लेके 50,000 तक का इनको पे करना पड़ सकता है 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए, जो लगभग आपको पता है जो इनका AGR पे करना उसके ही बराबर है। आप देख सकते हैं आप फोर्थ कमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन विल बी फोकस्ड ऑन स्पेक्ट्रम रेवेन्यू स्पेक्ट्रम रिन्यूअल्स फॉर द 3 मेजर ऑपरेटर्स एयरटेल जियो एंड वोडाफोन विच वुड कॉस्ट देम ए कंबाइंड टोटल ऑफ ₹44,000 करोड़। तो ये उम्मीद लगाई जाती है 44,000 से 50,000 करोड़ के बीच में हो सकता है ये जो इनको रिन्यूअल चार्जेस पे करने हैं, विच इज इक्वलेंट टू द AGR ऑफ टेलको इन द क्वार्टर ऑफ जून 2020। तो जो इक्वल है इनको ऑलरेडी आपको पता है AGR भी बहुत जा चुका ना, तो देखना होगा किस हिसाब से आगे इनको अफोर्डेबिलिटी मिलती है यहाँ पे या नहीं मिलती है, सरकार यहाँ पे क्या डिसीजन लेके आती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं वोडाफोन आइडिया का एक नया प्लान आया ₹399 में। आप देख सकते हैं 399 में 1.5 GB डेटा आपको हर दिन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इमर्जिंग हो रहा है, पूरी कोशिशें कर रही है कंपनी यहाँ पे अपना मार्केट में शेयर गेन करने की, और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कंपनी यहाँ पे इवन फंड इन्फ्यूजन की बातें भी करें तो जल्दी से जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी कंपनी हमें अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकती है, और जो इनका सब्सक्राइबर बेस है वो भी हमें कम होता हुआ चर्न जो हो रहा है वो भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक और न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट स्टेस दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन भारतीय एयरटेल क्लेमिंग ₹923 करोड़ GST रिफंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जहाँ पे भारतीय एयरटेल ने गुजारिश की थी कि इनको 923 करोड़ का GST रिफंड मिल जाए। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पे अगर इनको मिल जाता है, अगर ये स्टे हट जाती है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ भारतीय एयरटेल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कैसे पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये 923 करोड़ का इनको GST रिफंड डेफिनेटली जो इनको ITR पे जो इनको बेसिकली AGR पे करना है दैट इज एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है, तो ये वहाँ पे इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ आप चाहें तो इस न्यूज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करते रहना, क्योंकि ये 1,000 करोड़ कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है और इवन शेयर में भी अच्छी तेजी लेके आ सकता है। तो न्यूज़ यही है सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेट द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउिंग भारतीय एयरटेल टू क्लेम ₹923 करोड़ इन टैक्स रिफंड्स वाई रेक्टिफाइंग इट्स GST रिटर्न फॉर July to September 2017 द रिफंड वॉज डिनाइड अर्लियर वाई रेवेन्यू अथॉरिटीज। तो अर्लियर इस रिफंड को आपने देखा होगा किस हिसाब से जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उन्होंने भी यहाँ पे डिनाई कर दिया था। तो दोस्तों इस न्यूज़ को भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीकॉम न्यूज़ होती है वो वीकली वो भी बनाता रहता हूँ, तो आप उन न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप जो भी टेलीकॉम सेक्टर के न्यूज़ हैं जो स्टॉक्स हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।